दिल्ली रोड स्थित निम्स विश्वविद्यालय के खेल मैदान में विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 6 राज्यों की टीमें शामिल हुई। इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से निम्स विश्वविद्यालय के खेल मैदान में दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट में 6 टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि निम्स विश्वविद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा है कि देश में दिव्यांगों के प्रमोशन के लिए सभी प्रकार के खेलों का आयोजन करवाया जाता है। निम्स विश्वविद्यालय दिव्यांग क्रिकेट का हृदय से स्वागत करता है। उन्होंने सभी टीमों का और खेल अधिकारियों के साथ परिचय किया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा DCCBI का, जिसने निम्स को ये अवसर दिया, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान किया जिसमें सभी दिव्यांग बच्चों को की हौसला अफजाई होगी। और उसके साथ ही मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा सभी टीम्स को जो यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। और खेल की मूल भावना खेलने में है, जीतने में नहीं। तो इसके साथ ही आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द टीम्स। थैंक यू वेरी मच। आज जो हम राजस्थान के अंदर ये जो बाहर से 8 राज्यों की जो टीमें आई है, मकसद हमारा यही है कि लोगों को ये दिखाना है, जनरल लोगों को, जो बच्चों को दिखाना है, जो नई पीढ़ी है उनको ये दिखाना है कि दिव्यांग भी उनसे उनके ही हिसाब से उनसे भी बेहतर खेल सकते हैं। हमारे ऐसे कई गेंदबाज बल्लेबाज हैं जो एक हाथ से बॉलिंग करते हैं, एक हाथ से बैटिंग करते हैं। आज उनके बीच में कई चीज़ों के असमानता है, लेकिन क्रिकेट के माध्यम से हम उन असमानताओं को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उद्घाटन समारोह के विशिष्ट अतिथि दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मुकेश कंचन ने बताया कि सरकार ने विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द का आधिकारिक तौर पर प्रयोग किया है। ये शब्द हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हमें अभी भी समाज की मुख्य धारा में नहीं आंका जा रहा है। अगर मुझसे सच्चाई पूछा जाए तो जहाँ तक विकलांग शब्द को हटाकर दिव्यांग शब्द जोड़ा गया है तो उस दिव्यांग शब्द से हम लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि नाम बदल देने से उसका कोई लाइफ स्टाइल नहीं बदला है। लाइफ स्टाइल तब बदलेगा जब उसके जीवन में कोई परिवर्तन आएगा। तो दिव्यांगता आज भी वही है जहाँ पहले थी, पर हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि जो समाज भी एक समय में ऐसा था कि समाज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि दिव्यांगजन भी वो काम कर सकते। निश्चित तौर पर इस क्रिकेट के माध्यम से हम लोगों ने बताया है कि हमें वो क्षमता है जो सामान्य लोगों के तरीके से हम सारी चीज़ों को कर सकते हैं। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर ये 5 दिवसीय दिव्यांग क्रिकेट मैच होने जा रहा है। 3 दिसंबर को इसका समापन है और 8 राज्यों की टीमें यहाँ भाग लेने आई हैं। विश्व दिव्यांग दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं कि एक छत के नीचे दिव्यांग अपनी समस्याओं को रखें, अपने अधिकारों के लिए जागृत हों। मैं सभी टीमों को और नीम्स यूनिवर्सिटी को खास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और सभी टीम्स को गुड लक कहना चाहूँगी। कार्यक्रम में दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के अन्य अधिकारी, उपाध्यक्ष दुर्गेश शर्मा, पर्टन कंचन शर्मा, राजस्थान टीम के स्पॉन्सर सुरेश उपाध्याय, विप्रो फाउंडेशन से पवन पारीक और राजस्थान विश्वविद्यालय से आभा गुर्जर और नेहा गुर्जर मौजूद रहे। इस अवसर पर निम्स विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और सभी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। न्यूज इंडिया के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट।